पीर मुशविर का, उसके घर के सामने हम धरना देंगे। कम माफिया दा कम जालिमान दल तरा शिवि दी नोदाडेर कम तादाद सर दी। मोहम्मद ज़ादा शहीद को इंसाफ दिया जाए। या खूबसूर कफन सादर शी जमान, या बजान स्याल कम त्यालान पशान, या तोरे खौरे बबिस्तर शी जमान, या बपट के तड़म नरान पशान, या खूबसूर कफन सादर शी जमान, या बजान स्याल कम त्यालान पशान, या तोरे खौरे बबिस्तर शी जमान। अल्लाह में नकड़ी गुलामानो पशान, चिपो दुनिया के जिंद सर शिजमा, सरदर कवुं पता कलम वतना, स्ता हिफाजत लका ही मान गण, या पब शेप विनो रंग वतना, या पद सरदर जर्द जान तमा, या पब सातम स्ताना गुनम वतना, या बखपल सरदर न कुर्बान कमा, या पब सातम स्ताना गुनम वतना, या बखपल सरदर न कुर्बान कमा। जनात वाड़े जप जवन दुनस्ता आजादी वाड़ा, कजनी खलक रू से हाथ वाड़े जप खपल मर्गस्ता आबादी। आज मोहम्मद ज़ादा शहीद का 40वां था और यहाँ साकोट और मलकन ज़िला के अवाम, आपको इलम है कि इस चेले में उन्होंने जोग दर जोग शिरकत की और यहाँ पे हमारा फ्यूचर का एक लाहेमल भी बन गया। उसमें जो मतलब हमारे लाहेमल का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि हमारे साथ दो MPA PTI के दो MPA पीर मुशविर और फ़ज़ीलाई ने जो मुआहदा किया था उस पर फौरी तौर पर अमल दरार किया जाए, और अगर एक हफ्ते तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो जो हमारा लयामल है उसका पहला हिस्सा पहला मरहला ये होगा कि हम नेक्स्ट टाइम जो धरना देंगे वो MPA का जो घर है, लोकल MPA मुकामी MPA पीर मुशविर का, उसके घर के सामने हम धरना देंगे, क्योंकि वो यहाँ से इलेक्ट हुआ है, यहाँ का इलेक्टेड नुमाइंदा है। और अगर फिर भी वहाँ पे मतलब सूरत हाल कुछ इस तरह का बना, हम समझे कि ये जो हमारा मुतालबा है पूरा नहीं, तो इस्लामाबाद के लिए जो हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ है तो इंशाल्लाह हम फिर इसके बाद इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से तभी हम वापस आएंगे जब हमें पूरा पता चले कि ये जो हमारे साथ मुआहदा हुआ है इस पर अमल नहीं हो रहा है। उसके लिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी इंशाल्लाह फिर आइंदा वहाँ इस्लामाबाद में बनाएंगे। सुबाइया मंजरगा की तरफ से मोहम्मद ज़ादा शहीद के लिए उसके चेलम पे जो प्रोग्राम अरेंज किया था एहतजाजी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज साहकोट और मलकंड सारे डिवीजन से आवाम उनके अकीदत पेश करने के लिए उमड़ आए हैं। ये सारा इलाका आज यहाँ उनके कब्र पर मौजूद है, उनके चेहलम के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और एक सिंबॉलिक एहतजाजी रैली भी मुनक्कद की है। और आज ये फैसला हुआ है उसमें कि जो मुआहदा हुआ है उसके लिए एक हफ्ता का डेडलाइन दिया जाता है, तो इंशाल्लाह आइंदा सैटरडे को हफ्ते के दिन दोबारा यहाँ इलाकाई सतह पर कौमी जरगा, सूबाई अमन जरगा, सियासी जो जुमाते हैं उनके अकाबरीन और ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट और सारे लोगों के एक बड़ा कौमी जरगा मुनक्कद होगा। उस वक्त तक अगर उस पर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया जाता जो कि हमारे साथ हुकुमरान जुमात ने 4 MPAs ने
सूबाई वजीर ने वजीर आला की हिदायत पर हमारे साथ मुआहिदा हुआ था, तो उस पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर मनवान अमल दरामद किया जाए, सहाकोट के अवाम को इंसाफ दिलाया जाए, मोहम्मद ज़ादा शहीद को इंसाफ दिया जाए, उनके ख़ानदान को की दादरसी की जाए और जो पैकेज हमने मुतालबा किया है उनको मुहैया किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मंगा द मोहम्मद ज़ादा शहीद चिकमबर सलवीख्तीरा आगे के मंगा शिरकत करे दा मंजरगे पे क़ियादत के शवेदा और दिल तरसा को टूल उलसम र मलकन डिवीजन नरागले दे और इंशाल्लाह पागे के चिकमे पागा तेरो मुजाहिरों के या एहतजाजों के जमंगा कमे मुतालबे वे या दम कम मुजाकिरात शिव्यू सुवाई हुकूमत सारा जिले इंतजामिये सारा नो आगे बाने हिस के स्मार इस्पांद हुकूमत द तरफ न दे रागले नो मंग खोखपल कोशिश जारी सात हुआ तरागे पोरे बदा कोशिश जमंग जारी चे तरसो पोरे अगत इंसाफ नहीं मिला शवे और आगे कोर वाला नी मुतमयन शवे बहरहाल द साकोट सुमरा उलस ते नौजवानान दी और दिल तरा कम माफिया दा कम जालिमान दिल तरा दग शिवी दी नो दाड़ेर कम तादाद सर दी नो मेहरबानियों के चेदेरा पारा रापा से और दी सिज मखनीवी को।